गणपति महाराज और कितने जोड़े वस्त्र रखने का इरादा है? फ्लाइट का समय हो रहा है, धरती लोक की फ्लाइट द्वार पर तैयार खड़ी है। अरे मूषक जी, पूरे 10 दिन की यात्रा है, इतने दिनों के लिए इतने वस्त्र तो चाहिए ही। मेरी मानो तो तुम भी थोड़े वस्त्र ज्यादा ही रख लो, बहुत मजा आने वाला है। भक्त मेरा और तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, खूब मस्ती करेंगे। पुत्र गणेश, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए रास्ते में ले जाने का कुछ खाने का सामान भी बांध दिया है, अपने साथ साथ मूषक को भी खिला देना। तैयार हो गया मेरा पुत्र, अच्छे से जाना, सब भक्तों पर खूब कृपा बरसाना, ठीक है? कोई भी भक्त निराश ना हो, सबकी इच्छा पूरी करना। भैया गणेश, अपना ख्याल रखना और शीघ्र लौटना, हम सबको आपकी याद आएगी। मुझे भी आप सबकी बहुत याद आएगी, मैं 10 दिन बाद लौट आऊंगा। भगवान गणेश अपनी सवारी मूषक के साथ फ्लाइट में बैठ जाते हैं, जो कि कैलाश के द्वार पर ही खड़ी थी। माता पार्वती थोड़ी भावुक हो गई थी, पर वो जानती थी कि गणेश चतुर्थी उत्सव है, तो पुत्र गणेश को धरती लोक पर भक्तों के बीच 10 दिन के लिए रहना ही होगा। गणेश जी उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं, तो वो भी मुस्कुरा देती हैं। इसके बाद गणेश जी की फ्लाइट उड़ जाती है, गणेश जी की हवाई यात्रा प्रारंभ हो जाती है। वो फ्लाइट में अपनी सवारी मूषक के साथ धरती लोक पर जा रहे थे। सभी देवी देवता भी उन्हें विदा करते हुए उन पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। कुछ समय बाद भगवान गणेश की फ्लाइट एक मैदान में रुकती है। गणेश महाराज, क्या पृथ्वी लोक आ गया? हाँ मूषक जी, अपनी निद्रा को त्यागो और उठो, हम धरती लोक पर पहुँच गए हैं। चलो अब हम धरती लोक पर हर भक्त के घर जाएंगे, पर इस रूप में नहीं, हम अपना रूप बदल कर जाएंगे। जल्दी से सुंदर वस्त्रों में तैयार हो जाओ, इस बार हम दो बड़े सेठ बनकर अपने भक्तों के घर जाएंगे। जो आज्ञा गणेश महाराज, मैं फिर तो बढ़िया वस्त्र पहन लेता हूँ, आप भी पहन लो। इसके बाद गणेश जी और मूषक दोनों अमीर सेठों की वेशभूषा में आ गए, गले में सुंदर माला, कुर्ता धोती, सर पर पगड़ी। वे दोनों बहुत ही सुंदर लग रहे थे और देखने में किसी बड़े घराने के सेठ लग रहे थे। महाराज, कितना भव्य नजारा है, जगह जगह पंडाल सजे हैं, हम दोनों का तो बहुत ही भव्य स्वागत हो रहा है। मूषक जी, यही तो मैं देख रहा हूँ, सब मेरे स्वागत के लिए कितनी तैयारी कर रहे हैं। हर वर्ष इन भक्तों का यही प्रेम तो मुझे धरती लोक पर खींच लाता है, और मैं दौड़ा दौड़ा चला आता हूँ। बहुत से पंडाल हमने घूम लिए, चलो वहाँ उस पंडाल में चलते हैं। गणेश और मूषक धरती पर अलग अलग जगह घूम रहे थे। उन्हें धरती पर घूमते हुए कुछ दिन बीत गए थे, तभी वो एक गांव में पहुंचते हैं, जहां पर गणेश चतुर्थी उत्सव की तैयारी चल रही थी। उस गांव का जमींदार बहुत ही खड़ूस था, वो गरीबों को पंडाल में जाने की अनुमति नहीं देता था। इस कारण गांव के कुछ गरीब बहुत ही दुखी थे। जमींदार साहब, बच्चे बहुत दिनों से गणेश जी के दर्शन करना चाहते हैं, बस थोड़ी देर हम उन्हें दर्शन करवा कर पंडाल से बाहर आ जाएंगे। हाँ जमींदार साहब, बच्चों का बहुत मन है, पंडाल में खूब तैयारी चल रही है, बच्चों का भी मन है कि वो गणेश चतुर्थी उत्सव का आनंद लें। बस बच्चों को थोड़ी देर दर्शन करने दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये पंडाल तुम जैसे गरीब भिखारियों के लिए नहीं खुला है, यहाँ पर सिर्फ अमीर सेठ ही दर्शन कर सकते हैं, समझे? चलो जाओ यहाँ से, इन सबको पंडाल के सामने से हटा दो, सारी शो खराब कर रहे हैं। जमींदार साहब, वो देखिए, सामने दो बड़े सेठ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगता है इस गांव में पहली बार आए हैं। हाँ। अरे तो देख क्या रहा है, जल्दी से उन्हें लेकर आ और अच्छे से आओ भगत कर, इतने बड़े सेठ हैं, अच्छे से खातिरदारी करेंगे तो हमारा ही फायदा है। एक काम कर, तू रहने दे, मैं खुद ही उनके पास जाता हूँ। भगवान गणेश तो पहले ही समझ चुके थे कि इस गांव का जमींदार बहुत ही लालची स्वभाव का है, वो उसके मन को पढ़ चुके थे और उसे सबक सिखाना चाहते थे। जमींदार जब भगवान गणेश के पास पहुँचा, नमस्ते, आप हमारे गांव में पहली बार आए हैं, हमारे गांव में आपका स्वागत है, आप बड़े व्यापारी दिखाई देते हैं। जी, हम सुंदर नगर से आए हैं, व्यापार के लिए निकले थे, थकावट होने के कारण इस गांव में रुकने का विचार किया, पर आपके गांव में हमें कोई ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा जो हमारी आव भगत अच्छे से कर सके और हमारे साथ अच्छा व्यापार कर सके। कैसी बातें कर रहे हैं, आप पहली बार हमारे गांव में आए हैं, हमारे अतिथि हैं, और वैसे भी आप गणेश चतुर्थी के उत्सव पर आए हैं, तो आपकी खातिरदारी करना तो हमारा कर्तव्य है।
मैं अभी सबको आपके लिए भोजन और जलपान की व्यवस्था करने के लिए कहता हूँ। आइए आप वहाँ पंडाल में उच्च स्थान पर बैठिए। गांव का जमींदार लालची था। वो भगवान गणेश की खातिरदारी इसलिए कर रहा था ताकि उसे अच्छा व्यापार मिल सके। भगवान गणेश और मूषक तो मन ही मन हंस रहे थे। वे दोनों पंडाल में आसन पर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में उन दोनों के आगे ढेरों पकवान परोसे जाते हैं। बस फिर क्या था, भगवान गणेश और मूषक को पता था कि उन्हें क्या लीला रचनी है। वो जल्दी जल्दी सारे पकवान खा गए। फिर मूषक बोला, इतने से भोजन से तो मेरा गला भी तृप्त नहीं हुआ, थोड़ा और भोजन मंगाइए। हाँ क्यों नहीं, जाओ लड़को और पूरी हलवा सब्जी जो भी है सब ले आओ। जमींदार के सारे सेवक और सेविकाएं भगवान गणेश और मूषक के सामने पकवान रखते जाते और वो झटपट खाते जाते। धीरे धीरे सारा भंडारा समाप्त होने लगा तो जमींदार घबरा गया। क्या हुआ जमींदार साहब, आप तो कह रहे थे कि आप हमें अच्छे से तृप्त करेंगे, हमारी सेवा करेंगे, हमें तो अभी और भूख लगी है, अभी तो हमने कुछ भी नहीं खाया, फिर आप हमें कैसे खुश कर सकते हैं? सुनिए, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, हमारे सारे भंडार गृह खाली हो गए हैं, जितना भी भोजन बनाया गया था वो सब इन दोनों ने अकेले ही खा लिया, ये जरूर कोई दैवीय शक्ति है। अब मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है भाग्यवान, ऐसा क्यों हो रहा है, आप कौन है कृपा करके बताइए। अरे हम तो साधारण व्यापारी हैं, लगता है आप हमें खुश नहीं कर सके, हम कहीं और व्यापार के लिए चले जाएंगे, हमें आज्ञा दीजिए, अपने घर आए अतिथि को तृप्त नहीं किया, हम भूखे ही यहाँ से उठ रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा ना कहिए, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आप दोनों यहाँ से खुशी खुशी जाएं। अच्छा अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से खुशी खुशी जाऊँ तो जाओ पंडाल के बाहर जो गाँव के लोग खड़े हैं उन्हें अंदर बुलाओ, बोलो उन्हें प्रसाद भी मिलेगा और उन्हें गणपति दर्शन भी होंगे, उन्हें भी भोजन कराओ, तभी हम तृप्त होंगे और प्रसन्न होंगे। मैं कुछ समझ नहीं रहा, आप कौन हैं? कृपा करके बताइए, मेरी चिंता दूर कीजिए। जमींदार की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो परेशान हो चुका था, घबरा रहा था। गणेश भगवान ज्यादा चिंता नहीं देते, वो अपने भक्तों को शीघ्र ही क्षमा कर देते हैं, इसलिए भगवान गणेश और मूषक अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। उन्हें अपने समक्ष देखकर सभी भक्त उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। जमींदार को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। भगवान गणेश के चमत्कार से फिर से पकवान बर्तनों में भर जाते हैं। ये चमत्कार देखकर सब हैरान रह जाते हैं। सब भगवान गणेश के नाम का गुणगान करते हैं। जमींदार और उसकी पत्नी मिलकर सभी गांव वालों को भोजन कराते हैं और सभी गांव वालों को भगवान गणेश के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान गणेश सभी गांव वालों को आशीर्वाद देते हैं और इसके पश्चात वे अपनी सवारी मूषक के साथ वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। गणपति महाराज आज हमारे लौटने का समय है, सब लोग कैलाश में हमारी राह देख रहे होंगे, तो देर किस बात की है मूषक जी, जल्दी से अपनी फ्लाइट में बैठ जाते हैं और वापस कैलाश लौटते हैं। बहुत दिनों से मैं भी माताजी और पिताजी तथा भैया कार्तिकेय से नहीं मिला, देखो कितने सारे मोदक और लड्डू का प्रसाद भी है, कैलाश पहुंचकर हम सब मिलकर एक साथ खाएंगे। गणेश विसर्जन के बाद भगवान गणेश सभी धरती वासियों को अपना आशीर्वाद देकर अपनी मूषक सवारी के साथ वापस कैलाश लौट आते हैं। एक बार की बात है, भगवान शिव और माँ पार्वती आपस में वार्तालाप कर रहे थे, तभी वहाँ भगवान गणेश ही आ जाते हैं। क्या बात है माताश्री पिताश्री, आपने मुझे बुलाया? पुत्र गणेश, तुम्हारी माता तुम दोनों भाइयों के विवाह की चिंता कर रही है, वो चाहती है कि तुम दोनों भाइयों का विवाह शीघ्र हो जाए। हे माताश्री, हे पिताश्री, आप मेरी ओर से बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, जिस कारण से मेरे माता पिता चिंता में पड़े हैं मैं वो कारण ही समाप्त कर देता हूँ, मैंने ये निर्णय कर लिया है कि मैं विवाह नहीं करूँगा। इतना कहकर भगवान गणेश वहाँ से चले जाते हैं। देवी पार्वती, तुम्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ समय पर छोड़ दो, समय अपने आप सब कुछ व्यवस्थित कर देगा, और देखना तुम्हारा पुत्र गणेश एक दिन विवाह के लिए अवश्य मान जाएगा। उधर भगवान गणेश वन में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। भगवान गणेश ध्यान मग्न थे तभी वहाँ पर देवी तुलसी आ जाती है और भगवान गणेश के विचित्र रूप को देखकर वो बहुत प्रभावित होती है
वो साधना में लीन भगवान गणेश के ध्यान को भंग करने लगती है, जिससे भगवान गणेश का ध्यान भंग हो जाता है। देवी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? मेरी ध्यान साधना में विघ्न उत्पन्न करके अच्छा नहीं किया तुमने। हे देव, मैं धर्मध्वज की पुत्री तुलसी हूँ। मेरी माता का नाम माधवी है। मैं अपने वर की खोज में यात्रा पर निकली थी। आपको देखकर लगा जैसे मेरी यात्रा का उद्देश्य पूर्ण हो गया है। आपके विचित्र रूप ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। नहीं देवी, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। मैंने विवाह ना करने का प्रण लिया है। कृपया करके आप यहाँ से चली जाइए। भगवान गणेश जी ने देवी तुलसी जी से विवाह करने के लिए मना कर दिया। इस बात से तुलसी जी क्रोधित हो गए। क्रोधित हो उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया। तुम आज शादी करने से मना कर रहे हो और एक समय आएगा जब तुम्हारी दो शादी होगी और दो पत्नियों के साथ तुम अपना जीवन व्यतीत करोगे। तुलसी जी के श्राप को कुछ समय बीता, तब तक भगवान गणेश की भी विवाह करने की इच्छा होने लगी। लेकिन उस समय कोई भी देवी देवता अपनी पुत्री का विवाह भगवान गणेश से नहीं करना चाहते थे। देवताओं का कहना था कि सभी देवी देवता इतने अधिक रूपवान हैं और गणपति देवताओं से अलग दिखते हैं, इसलिए उनसे कोई विवाह नहीं करना चाहता था। विवाह न होने से गणपति क्रोधित रहने लगे और जिस भी देवी देवता का विवाह होता उनमें विघ्न उत्पन्न करते रहते थे, जिसमें उनकी मदद उनका वाहन मूषक करता था। मूषक गणेश जी के आदेश पर देवताओं के विवाह के मंडप को नष्ट कर देता था और ऐसे में उनकी शादियों में अड़चने पैदा हो जाती थी। सभी देवी देवता घबरा गए और परेशान होकर भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुँचे। प्रभु, भगवान गणेश को न जाने क्या हो गया है, जिस किसी का भी विवाह होने वाला होता है उसमें विघ्न उत्पन्न करने के लिए मूषक को भेज देते हैं और वो सारे मंडप और विवाह के व्यवस्थित स्थल को तहस नहस कर देता है। सभी देवी देवता अपने विवाह को लेकर बहुत चिंतित हैं। इस समस्या का हल ढूंढने के लिए आपको ब्रह्मा जी के पास जाना होगा, वही इस समस्या से निकलने का समाधान बता सकते हैं। इसके बाद सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी समस्या बताई। हे ब्रह्मदेव, कुछ कीजिए, अब आप ही समस्या का कोई समाधान बता सकते हैं। आप सभी को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, हर समस्या का समाधान अवश्य होता है। इतना कहते ही भगवान ब्रह्मा जी ने योग से दो पुत्रियों को उत्पन्न किया और उनका नाम रिद्धि सिद्धि रखा। मैंने तुम दोनों को जिस उद्देश्य से उत्पन्न किया है वो तुम दोनों को सदैव स्मरण रखना है। रिद्धि सिद्धि, तुम दोनों पुत्रियों को ध्यान रखना है कि जब भी भगवान गणेश किसी देवी या देवता के विवाह में विघ्न डालने लगे उस समय उनका ध्यान किसी और विषय पर केंद्रित कर देना, ताकि गणेश जी की वजह से विवाह में विघ्न न आए। जी ब्रह्मदेव, हम आपकी इस बात को सदैव स्मरण रखेंगे। ब्रह्मदेव, आपने जो कार्य हमें करने के लिए उत्पन्न किया है हम उस कार्य में अवश्य सफल होंगे। इसके बाद ब्रह्मा जी रिद्धि सिद्धि को लेकर गणेश जी के पास पहुँचे। भगवान गणेश, मैं चाहता हूँ आप मेरी दोनों बेटियों रिद्धि और सिद्धि को शिक्षा का ज्ञान दीजिए। ये तो मेरा अहोभाग्य है ब्रह्मदेव, मैं इन दोनों को शिक्षा अवश्य दूंगा। ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि को शिक्षा देने लगे। एक दिन जब भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि को ज्ञान की बातें समझा रहे थे, तभी वहाँ उनका वाहन मूषक आ जाता है। प्रणाम प्रभु, मैंने पता लगाया है स्वर्ग लोक में फिर किसी देवता का विवाह होने वाला है, मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना है। प्रभु, मुझे ये प्रश्न समझ नहीं आ रहा, कृपया करके मुझे इस प्रश्न को भली भांति समझा दीजिए। रिद्धि, पहले मुझे गणेश जी से प्रश्न पूछने दो, पहले मैंने उनसे प्रश्न किया है। अरे तुम दोनों आपस में यूँ झगड़ा ना करो, मैं तुम दोनों के प्रश्नों का उत्तर दूंगा। प्रभु का ध्यान तो मेरी ओर है ही नहीं, तो ठीक है मैं भी अपने में मस्त रहता हूँ। कुछ समय तक इसी तरीके से रिद्धि सिद्धि गणेश जी का ध्यान दूसरे विषयों पर लगाती रही। एक बार गणेश जी की नजर अपने वाहन मूषक पर गई। तुम यहाँ बैठकर लड्डू खा रहे हो, तुम्हें तो मैंने देवताओं के विवाह में विघ्न डालने का कार्य सौंपा हुआ था। प्रभु, मैंने आपको कई बार स्मरण कराने की कोशिश की, पर रिद्धि सिद्धि आपका ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर देती थी और आपके आदेश के बिना मैं कोई कार्य नहीं कर सकता प्रभु। इसी कारण सभी देवी देवता किसी भी विघ्न के बिना अपने विवाह को संपन्न कर रहे हैं।
भगवान गणेश को ध्यान आया कि रिद्धि सिद्धि की बातों में लगकर सभी देवी देवताओं का विवाह हो गया और वो अविवाहित रह गए, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। इसका पता लगने पर भगवान ब्रह्मा जी रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी के समक्ष प्रकट हुए। हे गणेश, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। मैं आपके समक्ष अपनी दोनों पुत्रियों रिद्धि सिद्धि के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ, कृपया करके इसे स्वीकार कीजिए। भगवान गणेश ने ये प्रस्ताव स्वीकार किया। इसी के साथ देवी तुलसी का श्राप सच साबित हुआ। भगवान गणेश के दो विवाह हुए और उनकी दो पत्नियां रिद्धि और सिद्धि हुई, जिनसे उनके भविष्य में दो पुत्र शुभ और लाभ भी हुए। साथ ही एक पुत्री यानी देवी संतोषी भी हुई।